वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि टर्माइट यानी कि दीमक जो लग जाती है घरों में, वुडन फर्नीचर वगैरह में और या फिर दीवारों पर, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट है अजेंडा का, जो कि यूज़ किया जाता है टर्माइट कंट्रोल के लिए। ये 100 ml की बॉटल मैंने परचेज की है अमेजोन से, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। इसका प्राइस है ₹263। इसके डिफरेंट पैक साइजेस आते हैं। ये बॉटल 100 ml की है, एक 500 ml की भी आती है एंड 5 L की भी। इसका प्राइस ₹263 है, यानी कि 100 ml आपको ₹263 में मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट बहुत ही इफेक्टिव है। जब आप इसको अप्लाई करें तो मेक श्योर कि आप वहाँ पर कुछ खाएं पिए नहीं, स्मोकिंग ना करें एंड इसको इनहेल ना करें। इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप इसको मास्क लगा के अप्लाई करें और आफ्टर स्प्रेइंग दिस सॉल्यूशन आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें और जो भी बॉडी पार्ट आपका एक्सपोज था उसको भी अच्छी तरह से धो लें, सो दैट आपको कोई एलर्जी डेवलप ना हो। सो गाइज, ये बहुत ही एक इफेक्टिव प्रोडक्ट है। अब आपकी परेशानी दीमक की कंट्रोल हो सकती है इस प्रोडक्ट को यूज करने से। ये प्रोडक्ट यूज किया जाता है प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन, यानी कि जब घर कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है उस वक्त भी ये यूज किया जा सकता है या फिर उसके बाद भी ये यूज किया जा सकता है ये प्रोडक्ट। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो लिक्विड फॉर्म में है। इसको हमें 15 ml लेकर पानी में इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि इसमें अगर आप जैसे टर्माइट्स को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोडक्ट को कहीं पर डालते हैं तो वो इजीली ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन टर्माइट टू अनदर, जिसकी वजह से पूरी कॉलोनी इससे मिट सकती है। अगर आप इसको पोस्ट कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो आपको इसका 50 ml, इसमें ये मेजरमेंट कप दिया हुआ है, 50 ml का आपको लेके 1 L पानी में बनाना है सॉल्यूशन। और अगर आप इसको प्री कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो आप इसको 25 ml लेना होगा पर लीटर। ये एक ऑर्डरलेस टर्मेटिसाइड है और ये इजीली ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन टर्माइट टू अनदर। ये आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जो दीमक जो कॉलोनी बना लेती है उसको मैनेज करने में ये हेल्प करता है। और ये आप इसको ऑयल या वाटर में मिक्स करके यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट काफी इजी टू यूज है, लेकिन ध्यान रहे कि इसको यूज करते वक्त सूटेबल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग करें और ग्लव्स वगैरह पहन के इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके यूजेज से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं। और आप इसको यूज करते वक्त आंखों में यानी कि गॉगल्स का इस्तेमाल करें, लॉन्ग स्लीव शर्ट पहने और ग्लव्स पहन के काफी प्रोटेक्शन के साथ आप इसको अप्लाई करें। और अगर वहां पे बच्चे या फिर एल्डरली रूम में हैं या फिर कहीं पर भी हैं तो उनको पहले आप वहां से हटा दीजिए, क्योंकि कुछ एलर्जी हो सकती है कुछ लोगों को। और आप कवर्ड कपड़े पहनकर, शूज पहनकर इसको यूज करें। सिंपली आपको 15 ml लेना है 1 L पानी में एंड देन जैसे फॉर एग्जांपल आपके अगर किसी अलमीरा में दीमक लगी हुई है तो आप उसको सिरिंज की मदद से जहां पर बहुत ज्यादा आपको लगे कि यहां पे कॉलोनी डेवलप हो रही है तो आप उधर इंजेक्ट करें। आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने एक अलमीरा में लगाया था और उसका इफेक्टिवनेस ये है कि अराउंड 4 to 5 months हो चुके हैं और मुझे फिर से दीमक नहीं नजर आई है। सो अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है गाइस तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।